शाजापुर में अखिल भारतीय बलाई महासभा के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को बस स्टैंड परिसर में दलित समाज धरने पर बैठ गए थे और प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि गुलाना में पटवारी द्वारा दलित समाज पर अत्याचार किया जा रहा है। और वहीं भिलवाड़िया की आवास कॉलोनी में दलित समाज के गरीब परिवार रहते हैं जिनको प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। देखिए, ग्राम बाड़ी गाँव के जो मार्ड साहब है कुमार सिंह जी, वो कर्मचारी है वहाँ का, एक ड्यूटी कलेक्टर, उनकी ज़मीन भी मार्ड साहब की ज़मीन के पास में आ गया है। तो वो दमिंग व्यक्ति होने के कारण, ड्यूटी कलेक्टर होने के कारण, उनके प्रभावशाली से उसे कुमार मार्ड साहब की आधार ज़मीन में से रास्ता निकाल दिया गया, उसकी 2 बीघा की फसल को नष्ट कर दिया गया है। वहाँ के RI और पटवारी के द्वारा उसकी फसल नष्ट कर दी गई है, और जबकि उसकी सास की कहीं से कहीं तक कागज़ में उसका नक्शा नहीं है, उसके रजिस्टर उसके पास में, नक्शा उसके पास में, उसकी आधार ज़मीन में से रास्ता दे दिया गया है। ग्राम नवलाए के दिनेश पिता नाथूजी चमार, जो 50 साल से इसके पिताजी, वो ज़मीन में वो चर्मकार का काम करता था, वो उसको गांव के लोगों ने दी गई थी। माँ और रोशन सिंह पिता कमोद सिंह के द्वारा इसको 2-2 बार मार लिया गया और इसको माँ के लोगों ने मिलकर के बेदखल करवा दिया गया, जबकि उसी 993 नंबर में कम से कम 25 बीघा ज़मीन सास की भूमि पर सब लोग बैठे हैं, पर ये एक चमार को बेदखल कर दिया गया है। ग्राम अजीतपुर उगाए के जो पारदी समाज के लोग हैं उनके पट्टा मिला, वो 2001 से 2000 में जो इनको पट्टा मिला है, वहाँ आज तक उनकी ज़मीन पे इनको नहीं जाने दिया गया है। वहाँ के दमंग लोगों के द्वारा इनके साथ मारपीट करते हैं, इनको काम से भगाने की धमकी दिया जाती है। तो वहाँ का तहसीलदार को के पूर्व जिलाध्यक्ष, इन सब हमारा सहयोगी है, सभी अनुसूचित जाति के लोग और जनजाति के लोग सहयोग कर मिल करके ये धरना प्रदर्शन किया गया है। अगर नहीं माना जाएगा तो हम यहीं अनशन पे बैठेंगे, हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगा, नहीं मानेगा, इन गरीबों की पीड़ा को नहीं समझेगा तो हम नहीं उठेंगे, हमारी प्राण की आहुति यहीं दे देंगे। तो इसके बारे में आप ये